हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ राजेश फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल शाहजनी अवरा। नाउ इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट ए चैप्टर एज मल्टीप्लिकेशन। नाउ टुडे वी स्टार्ट एज डिवीजन, राइट? द फोर्थ चैप्टर ऑफ एम इज डिवीजन, राइट? तो डिवीजन मींस इक्वली डिवाइड द पार्ट, तो इक्वल पार्ट बनाना है। समझो, सपोज एक लाइन है, समझो, राइट? दिस इज 8 सेंटीमीटर, राइट? तो 8 सेंटीमीटर लाइन है, राइट? तो इसे इक्वली फोर पार्ट बनाना है, तो 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो 8 को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, राइट? 8 को 4 से डिवाइड करने के बाद कितने पार्ट होते हैं देखो, 4 सिक्स 8, 4 टू जा 8, 0। तो 2 के 4 पार्ट होते हैं, 2 दिस इज 2 एंड दिस इज 2। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस 2, 8 सेंटीमीटर। तो एक लाइन को हमें इक्वली डिवाइड करना है, तो उसे हम डिवीजन कहते हैं, राइट? तो टर्म रिलेटेड टू डिवीजन, तो सी हियर, सपोज 7 ही समझो, 7 को 2 से डिवाइड करो, राइट? 2 दिस इज 7, 2 3 जा 6 एंड 1, तो इसे हम डिवीजर कहते हैं, जो डिवाइड करता है नंबर उसे डिवीजर कहते हैं। दिस इज डिविडेंड, दिस इज रिमाइंडर एंड 3 को हम कोसेज कहते हैं, राइट? तो डिविडेंड, डिविजर, राइट, रिमाइंडर एंड कोसेंट आर द रिलेटेड टर्म्स ऑफ डिवीजन। तो सी हियर, तो 2 इज द डिवीजर, 7 इज द डिविडेंड, 3 इज द कोसेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर। ये सभी टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, राइट? तो हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज डिविडेंड। तो फर्स्ट टर्म इज डिविडेंड, the number to be divided, the number to be the number to be divided is called dividend. But the second term is divisor. So what is divisor? तो dividend को हम divisor से divide करते हैं, right? तो लिखो the number by which the number by which we divide. We divide is called the divisor. So dividend बोले तो the number to be divided is called dividend, and divisor the number by which we divide the divisor, divided is called the divisor. आप 7 बाय 2 है समझो, तो 7 क्या है, डिविडेंड है, और 2 क्या है, डिविजर है। जो भी आंसर आता है वो कोसेंट है, रिमेनिंग जो 7 बचता है उसमें से वो कोसेंट है। तो नेक्स्ट कोसेंट, व्हाट इज कोसेंट, राइट? द आंसर इज कॉल्ड कोसेंट। नेक्स्ट रिमाइंडर,
what is remainder to see here a number left over is called the remainder. To see here 7/2 है समझो, तो इसे हम 2/7, आप आंसर यहां भी लिख सकते हैं, ये नहीं बोले तो यहां भी आगे लिख सकते हैं। तो 2 3 6, तो यहां माइनस करना है, 7 - 6 = 1। तो सी है 2 क्या है, डिविजर है, 7 डिविडेंट है, 3 क्या है, आंसर है हमारा कोसेंट, द आंसर इज कॉल्ड द कोसेंट एंड दिस इज नंबर लेफ्ट, तो इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंट एंड कोसेंट, राइट। तो इसके ऊपर जब हम आंसर चेक करने का है तो अब देखो, चेक यूर आंसर बोले तो हमें एक फॉर्मूला है, डिविजन इज इक्वल टू, राइट। तो सी है 3/11 है समझो, राइट। 3 को 11 को हमें 3 से डिवाइड करना है, राइट। 3 3 9, 2 लेफ्ट, राइट। तो ये है डिविडेंड है, दिस इज डिविजर, दिस इज कोसेंट एंड दिस इज रिमाइंडर, राइट। तो इन तीनों को मिला के हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, तो चेक योर आंसर में उसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सी है कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिविजर कितना है 3 है, तो 3 इंटू कोसेंट भी 3 है, 3 प्लस रिमाइंडर इज 2, तो 3 3 9 प्लस 2 11। तो सी हियर डिविडेंड इज 11 और यहां भी देखो डिविडेंड इज 11। अब सपोज 7/2 है समझो, 2 से 7 को करो आप, राइट। यहां भी आंसर लिख सकते हैं या तो यहां भी लिख सकते हैं, 2 3 6, माइनस करो 7 - 6 = 1। अब हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविजर क्या है 2 है, इंटू कोसेंट इज 3, रिमाइंडर इज 1, 2 3 6 + 1 = 7, राइट। तो इस तरह से हम डिविजन करते हैं, राइट। तो रिलेटेड टर्म्स ऑफ डिविजन आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट टर्म इज डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, दीज आर दी 4 रिलेटेड टर्म्स ऑफ डिविजन, राइट। तो आपने थर्ड क्लास में इसे स्टडी किया है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 4A। In that, a question is given, write the dividend divisor and quotient in each of the following, right? This is the question. तो आपके बुक में फिल इन द बॉक्स दिए हुए, आप डायरेक्ट बॉक्स में लिखे तो भी चलेगा, राइट। तो हम मैं यहां डायरेक्ट करता हूं, राइट। तो गिवन, तो देखो कैसे दिए हुए, डिविजन फैक्ट यहां, डिविडेंड, डिविजर, दिस इज कोसेंट, राइट। आपके बुक में ऐसे दिए हुए हैं, तो
first question is given, 14 by divided by 8 is equal to 5. तो 8 से 40 को हम 8 5 जा 40, तो आंसर इज 5. तो उसमें हमें डिविडेंड, डिविजर एंड कोसेंट लिखना है. तो सी है, तो डिविडेंड क्या है, यहां 40 है एंड 8 क्या है, डिवाइजर है. डिवाइजर क्या करता है, डिविडेंड को डिवाइड करता है, राइट. 8 है और कोसेंट क्या है, 5 है, राइट. तो इस तरह से आपको लिखना है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 35 डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 7. तो 35 क्या है, डिविडेंड है, 5 क्या है, डिविजर है, कोसेंट क्या है, 7 है, राइट. तो इस तरह से आपको लिखना है. तो व्हाट इज डिविडेंड, डिविजर एज वेल एज कोसेंट, राइट. तो नेक्स्ट वी रेमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट वी गो टू बी क्वेश्चन. फोर ए में जो एक्सरसाइज 4A है उसमें का बी क्वेश्चन, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. डिवाइड एंड चेक योर आंसर. तो डिवाइड करना है और चेक करना है. तो डिवाइड करने के बाद हम चेक कैसे करते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला दिया है, देखो आपको. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. उस फॉर्मूले से हम चेक कर सकते हैं हमारे आंसर, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, 66 इज डिवाइडेड बाय 3. तो देखो 66 इज डिवाइडेड बाय 3. तो 66 क्या है, डिविडेंड है और 3 क्या है, डिविजर है, राइट. तो देखो आप 3 से हमें क्या करना है, 66 को डिवाइड करना है, राइट. तो फर्स्ट टर्म लेना है हमें, 3 टू 6 माइनस करो, 6 माइनस 6 0, तो ये 6 रिमेन से 1 नंबर ले सकते हैं हम नीचे, राइट, यहां, राइट. अगेन 3 टू 6 माइनस करो, 6 माइनस 6 इज 0. दिस इज कोसेंट है, ये रिमाइंडर 0 हो गया. This is dividend and this is division, right? तो check your answer हो गया. तो इसका आंसर कितना है, 22 है, right? तो check our answer. तो next checking board की लिखो यहां. तो लिखो आप formula, dividend is equal to division into cosec plus remainder, right. तो divisor into cosec plus remainder, तो उस फॉर्मूले में पुट ऑफ करो. तो divisor क्या है, 3 है, 3 into 22 plus remainder is 0, right. तो 22 3 जा 66, तो डिविडेंड इज 66. आवर आंसर इज करेक्ट, राइट. यहां लिखना है तो लिखो आप, आवर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. तो सी हियर व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन. 97 इज डिविजिबल बाय 3. तो 3 से हमें क्या करना है, 97 को डिवाइड करना है. 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, तो 1 नंबर ले सकते हैं हम नीचे, राइट. तो नेक्स्ट 3 2 जा 6, तो ये जो नंबर है ना, इससे इक्वल तो नंबर लेना है, नहीं बोले तो उससे छोटा नंबर लेना है. तो ये 7 से बड़ा नंबर नहीं लेना है. 3 3 जा 9 लेने के बाद वो रॉन्ग होता है, राइट. तो 7 माइनस 6 इज 1, राइट. तो राइट हियर चेकिंग, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवीजन इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर। राइट, सी हियर डिवीजन इज 3, कोसाइन इज 32 प्लस रिमाइंडर इज 1। तो 32 3 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97। यहां करके देखना है तो आप देखो 32 इंटू 3, 3 2 6, 3 3 9, सी है 96। 32 3 96 प्लस 1 इज 97। राइट, तो 97 इज द डिविडेंड, तो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सी हियर व्हाट इज द 9th क्वेश्चन। 853 इज डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से हमें क्या करना है, 853 को डिवाइड करना है। राइट, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हमें चेकिंग करना है, या तो हमने कट किया है या नहीं। तो 6 से आपको क्या करना है, 853 को डिवाइड करो। राइट, तो यहां 8 है, यहां 6 है, तो 6 1 6 माइनस करो, 8 - 6 इज 2। तो 1 नंबर ले सकते हैं आप, राइट, 2 नंबर नहीं ले सकते आप, यहां डायरेक्ट 3 नहीं ले सकते, तो लिए तो यहां 0 लिखना पड़ेगा। राइट, 25 है, 6 4 24 अगेन माइनस करो, 5 - 4 इज 1, 2 - 2 इज 0, तो ये 3 ले सकते हैं हम नीचे। 6 2 12 01। राइट, दिस इज कोसेंट, दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, दिस इज रिमाइंडर। राइट, अब चेकिंग करो, चेकिंग आवर आंसर। डिविडेंट, डिविडेंट इज इक्वल टू, तो क्यों बोले तो कोसाइन इंटू डिविजर इन प्लस रिमाइंडर आर। राइट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कोसाइन इज 142 इंटू 6 प्लस 1, तो 42 इंटू 6 करो, यहां करो आप 142 इंटू 6। राइट, तो 6 2 12 को 2 कैरी 1। राइट, 6 4 24, 24 प्लस 1 इज 25 कैरी 2, 6 1 6 प्लस 2 इज 8, तो 852 प्लस 1, तो 853 इज द डिविडेंड, तो आवर आंसर इज करेक्ट। राइट, तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। राइट, तो रिमेनिंग जितने भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो। नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन, सब टाइटल आज डिविजन ऑफ 4-digit नंबर बाय ए 1-digit नंबर। तो सी हियर नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ 4-digit नंबर बाय ए 1-digit नंबर। राइट, तो सी हियर, तो उसमें 2 टाइप आएंगे, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन विथआउट रिमाइंडर। विथआउट रिमाइंडर बोले तो रिमाइंडर 0 रहेंगे। राइट, विथआउट रिमाइंडर तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। राइट, डिवीजन विथआउट रिमाइंडर, तो सी है डिवाइड, डिवाइड 4272 बाय 6। राइट, तो 4272 बाय 6, तो विथआउट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। राइट, तो सी है इसे कैसे लिखेंगे हम, तो 6
42, 72। तो या तो आप कोसेंट यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, राइट। तो सी है, तो यहां 4 है तो 2 डिजिट ले सकते हैं आप, राइट। तो 6 7 और 7 6 42 माइनस करो 0 0 आता है, तो यहां 7 1 नंबर ले सकते हैं। सेकेंड नंबर लेना है तो यहां 0 लिखना है, 6 1 6 7 माइनस 6 इज 1, तो नेक्स्ट रिमेन्स 2, राइट। तो 6 2 2 1 0 0, राइट। तो विथआउट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होंगे, राइट। तो 712 इज द कोसाइन एंड 4272 इज द डिविडेंड एंड 6 इज द डिविजन। तो डिविजन विथआउट रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होंगे हमारे, 0 होंगे। तो नेक्स्ट डिविजन विथ रिमाइंडर, उसमें सेकेंड देखो, डिविजन विथ रिमाइंडर, राइट। डिवाइड 7326 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, राइट। तो सी है, 4 7326, तो यहां 4 है, राइट। तो यहां 4 है, यहां 7 है, लार्ज नंबर है तो 1 से ले सकते हैं। 7 माइनस 4 इज 3, तो यहां 3 है, यहां 4 है, राइट। तो और एक 3 हम दे सकते हैं नीचे, ये 3, राइट। 4 8 32, माइनस करो 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, नेक्स्ट 2 लो, राइट। 4 3 2 1 0 0, तो रिमेन 6, तो यहां 6 लो। 4 1 4, तो 6 माइनस 4 इज 2, राइट। तो 1831 इज द रिमाइंडर एंड 1831 इज द कोसेंट एंड 2 इज द रिमाइंडर, राइट। तो इस तरह से डिविजन विथ रिमाइंडर और विथआउट रिमाइंडर के प्रॉब्लम अब सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 4B। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B, तो इन दैट ए क्वेश्चन इज गिवन, डिवाइड and find the quotient, right। तो 4B में divide and find the quotient, a question, तो first is given, तो first question is given, 3504 is divisible by 2, राइट। तो 3504 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो करेंगे हम। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइड आई फाइंड द कोसेंट, जो भी आंसर आता है वो लिखना है हमें, राइट। तो लिखो इसे 2 3504, राइट। तो यहां 3 है, यहां 2 है, तो 1 से लो। 3 2 2 1 2, माइनस करो 3 माइनस 2 इज 1, राइट। नेक्स्ट तो 1 तो नहीं आएगा 2 के टेबल में, तो 5 लो, राइट। तो नियरेस्ट नंबर लेना है या तो इक्वल नंबर लिए तो भी चलेगा, 3 7 और 2 7 14, माइनस करो 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो नेक्स्ट 0 लो, राइट। 2 5 10, 0 0, नेक्स्ट रिमेन्स 4, राइट। 2 2 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर
कोसेंट इक्वल टू 1752, राइट। तो डिवाइड करके हमें क्या करना है, कोसेंट फाइंड आउट करना है। तो 1752 इज द कोसेंट, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स। तो सिक्स से आपको सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स को डिवाइड करना है, राइट। तो देखो यहां सेवन ही, यहां सिक्स है, तो वन से कर सकते हैं। सिक्स वन जा सिक्स, माइनस करो सेवन माइनस सिक्स इज वन। तो नेक्स्ट वन है तो वन तो नहीं आएगा सिक्स के टेबल में, इसलिए सेकेंड डिजिट लेना है सिक्स, राइट। तो सिक्स टू जा टू वन, माइनस करो सिक्स माइनस टू इज फोर, वन माइनस वन इज जीरो। तो नेक्स्ट टू लो, राइट। तो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू। तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, जीरो जीरो होता है। तो नेक्स्ट रिमेन्स सिक्स, तो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो। तो रिमाइंडर इज जीरो, कोसेंट इज 1271। तो यहां लिखो देयरफॉर कोसेंट इज इक्वल टू 1271, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन करेंगे, एट थाउजेंड फोर डिविजिबल बाय सिक्स, राइट। तो सिक्स से हमें क्या करना है, एट थाउजेंड फोर को डिवाइड करना है। तो यहां एट है, यहां सिक्स है, सिक्स वन जा सिक्स, एट माइनस टू इज, एट माइनस सिक्स इज टू, माइनस करने के बाद जीरो एक लो, राइट। सिक्स थ्री जा एटीन, माइनस करो तो जीरो माइनस एट नहीं होता है, तो कैरी वन को इसे वन बना, टेन माइनस एट इज टू, वन माइनस वन इज जीरो। तो नेक्स्ट अगेन जीरो, अगेन सिक्स थ्री जा एटीन, तो माइनस करो तो जीरो टू आता है। तो नेक्स्ट फोर, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, जीरो जीरो, देयर फोर कोसाइट इक्वल टू 1334, राइट। 1334 इज द कोसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, थर्टींथ क्वेश्चन करेंगे, फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फाइव इज डिविजिबल बाय सेवन। सेवन सी से डिवाइड करो 4235। तो यहां सेवन ही, यहां फोर है, तो टू डिजिट देखना है हमें, तो 42, राइट। तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, तो सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, तो जीरो जीरो होता है। तो यहां थ्री लो, राइट। तो सेवन के टेबल में थ्री नहीं आता, तो फाइव लेना है, तो जीरो लिख के यहां फाइव लेना है, राइट। तो सेवन फाइव जा 35, तो कोसेंट इज 605, राइट। तो सेकेंड टू डिजिट लेना है, तो हमें जीरो लिखना है, देखो वो केयरफुली देखो आप, राइट। तो यहां देखो, तो मैंने डायरेक्ट यहां सेवन सिक्स 42 हो गया, राइट। ये दोनों जीरो हो गए, तो ये थ्री लिया, तो सेकेंड फाइव लेना है, तो यहां जीरो लिखना है, राइट। तो सेवन फाइव इज 35, राइट। तो कोसेंट इज 605। तो इसे आप और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करके देखो, और हमें डिविडेंड 4235 आता है, राइट।
right? So next part will be continue in next class. If any doubt, then ask in WhatsApp. Thank you. Do homework.